अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। इसके चलते इंदौर की 641 शाखाओं में से 600 शाखाओं में काम पूरी तरह से बंद है। जानकारी के मुताबिक इस हड़ताल के चलते करीब 1,17,000 करोड़ से अधिक का व्यवसाय प्रभावित हो चुका है। बता दें कि बैंक कर्मी वेतन बढ़ोतरी, 5-day week और पेंशन सहित अन्य मांगे पूरी नहीं होने से नाराज हैं, जिसके चलते वे ये हड़ताल कर रहे हैं। इसी हड़ताल के बीच शनिवार सुबह बड़ी संख्या में बैंक कर्मी प्रेस क्लब पहुंचे और अपनी मांगों को प्रमुखता से प्रकाशित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सभी बैंक कर्मी संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे और संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान फोरम संयोजक मोहन कृष्ण शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उक्त हड़ताल के चलते प्रदेश की 7,426 में से 7,000 शाखाओं में लेन देन ठप रहा, जिसमें 7,00,000 करोड़ का व्यवसाय प्रभावित हुआ। इस दौरान बैंक कर्मियों ने अपनी सभी मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में आगामी 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। पिछले 2 दिन से कल से जो 2 दिन की हड़ताल देश के 10,00,000 से अधिक बैंक कर्मचारी अधिकारी कर रहे हैं, वे अपनी मांगों के लिए सड़कों पर आए हैं। कल भी पूरे देश में बैंकों में हड़ताल रही, आज भी देश में पूरे बैंकों में हड़ताल है। इस 2 दिवसीय हड़ताल के पीछे जो हमारी मूल मांग है, वो पिछले 27 महीने से जो हमारा वेतन समझौता लंबित है, जिसके बारे में सरकार और बैंक मैनेजमेंट बराबर टालमटोल कर रही है। 2% का ऑफर देकर बैंक कर्मचारी अधिकारियों और उनके श्रम का जो अपमान किया गया है, निश्चित तौर पे देश के अधिकारी कर्मचारी इससे आंदोलित हैं, उन्हें क्रोध है, उन्हें गुस्सा है। इसी गुस्से का इजहार उन्होंने सड़कों पे किया है। हम आने वाले कल में, अगर आज और कल की हड़ताल के बाद भी सरकार को समझ नहीं आता है, तो उसका मतलब है कि 11, 12 और 13 3 दिन की जो हमारी हड़ताल होने वाली है राष्ट्रव्यापी, उसके चलते देश का बैंक तंत्र निश्चित तौर पर ठप पड़ जाएगा। उस समय लगभग एक सप्ताह तक पूरे देश की बैंकें बंद रहेंगी और सरकार को मालूम पड़ेगा कि अर्थतंत्र के जो मूल काम करने वाले हैं, जो मूल कार्यकर्ता हैं, उनकी तनख्वाह से खिलवाड़ करने का क्या महत्व होता है। खैर, अब देखना यह होगा कि बैंक कर्मियों की मांगे कब तक पूरी होती है और मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में वे क्या कदम उठाते हैं। आर्ट इंडिया न्यूज के लिए इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।